हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आईएमए से मदद की अपील की है। प्रदेश में महामारी के खिलाफ जारी जंग पर लगाम कसने के लिए खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आईएमए से अपील की है। इसके लिए शनिवार को अनिल विज ने हरियाणा आईएमए के पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली, जिसमें विज ने स्पष्ट कहा कि वो नहीं चाहते कि हरियाणा में कोई भी मरीज इलाज न मिलने के कारण जान गंवाए। ऐसे में विज की अपील का तुरंत असर देखने को मिला और आईएमए प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार का साथ देने का वीसी में ही भरोसा दिया। वीसी में अनिल विज ने आईएमए के डॉक्टरों से बड़ी अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अस्पतालों और बेड्स की संख्या बढ़ाने जा रही है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए स्टाफ की जरूरत है। ऐसे में बिना आईएमए के सहयोग के नए अस्पताल चलाना मुश्किल है। विज ने आईएमए से अपील करते हुए कहा कि आईएमए हर जिले में जितना संभव हो सके उतना स्टाफ मुहैया करवाए, ताकि प्रदेश में किसी मरीज की जान इलाज के बिना न जाए, सबको इलाज मिल पाए। नहीं चाहता कि कोई मरीज हरियाणा में बिना इलाज के रहे। हर मरीज को उपचार का पूरी व्यवस्था मिले, साधन मिले, बिस्तर मिले, उसके लिए हमने एडिशनल बेड कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है। हम बाकी सारे इंतजाम तो कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन बिना आपकी सहायता के उनको चलाना बहुत मुश्किल है। मैं आपकी बात भी सुनना चाहूंगा, मेरे अधिकारी आपकी बातों का जवाब भी देंगे और हम इस व्यवस्था को संभालें, ये मैं चाहता हूं। दो अस्पताल तो विशेष तौर से मैं चाहता हूं कि आईएमए संभाल ले, हैंडल कर ले। जो 500-500 बेड के हम पानीपत और हिसार में बना रहे हैं, उनको तो वो अपने तरीके से हैंडल कर ले, वो है। और बाकी जिलों में भी, सब जिलों में हर जगह पर हम अतिरिक्त कहीं 100 बेड, कहीं 200 बेड हम क्रिएट कर रहे हैं। किसी धर्मशाला में, किसी होटल में, किसी बैंक हॉल में, हमने कहा जहां जगह मिलती है आप वहां पर बेड्स लगाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हम मुहैया करा रहे हैं। और ये जो हम हॉस्पिटल क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए भी ऑक्सीजन की अतिरिक्त आवश्यकता को भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना हम केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो हमें 162 MT ऑक्सीजन अलॉट थी, आज हमें 257 MT ऑक्सीजन